में तो कम से कम नहीं मिलता। देवबंद नाम से जुड़े जो तर्क हैं, वो इस शहर को महाभारत काल से जोड़ते हैं। एक तर्क ये है कि देवबंद नाम देवी वन से पड़ा है। प्राचीन काल में ये जगह वन यानी जंगलों से भरी पड़ी थी, जहां देवी और देवता रहते थे, इसीलिए इसे देवी वन कहते थे। दूसरा तर्क ये है कि देवबंद का पुराना नाम देवी वंदन था। यहाँ माँ दुर्गा रहा करती थी और लोग यहाँ उनकी वंदना किया करते थे। यानी देवबंद नाम से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए देवबंद के मुस्लिम धर्म गुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवबंद को देववृंद कहा जाए या कुछ और। देवबंद का नाम दारुलूम की वजह से सारी दुनिया में पहचाना जाता है, देवबंद से दारुलूम नहीं पहचाना जाता है। अगर वो कोई दूसरा नाम रख देंगे देवबंद की वजह से उस दूसरे नाम की शोहरत होगी। ये तो कोई इस्लामी नाम नहीं है, ये तो यहाँ का एक इतिहास था कि यहाँ एक बन था, उसके अंदर एक मंदिर था, इसको लोग कहते हैं कि देवी का बन था ये, उसको नाम लेते लेते देवबंद। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया है उससे पहले का ये नाम है और पहले की ये बस्ती है, इसलिए एक दफे नहीं, हम तो कहते हैं हजार मरतबा बदल दो, हमारी सेहत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देवबंद और दारुल उलूम का चोली दामन का साथ है। विधायक ब्रजेश सिंह को नहीं मालूम होगा कि दारुल उलूम के उलेमाओं ने जंग आजादी में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी। दारुल उलूम की स्थापना अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली जंग मानी जाने वाली 1857 की क्रांति से जुड़ी है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम संस्थाओं को बंद कर दिया था और सैकड़ों इस्लामिक विद्वानों को या तो मार डाला था या जेल में डाल दिया था। तब जिंदा बचे इस्लामिक विद्वानों ने एक साथ मिलकर दारुल उलूम की स्थापना की थी। दारुल उलूम के उलेमाओं ने आजादी के वक्त पाकिस्तान बनाए जाने का कड़ा विरोध किया था। पिछले 150 वर्षों से देवबंद दारुल उलूम के नाम से जाना जाता है। देवबंद के मुस्लिमों को समझ ही नहीं आ रहा कि देवबंद का नाम बदलकर बीजेपी आखिर हासिल क्या करना चाहती है। जो अभी डेवलपमेंट का नारा देकर बीजेपी ने जो हुकूमत में आई और लोगों ने इतना बड़ा उसे मैंडेट दिया कि इतना छोटा सा इशू करने के लिए, सिर्फ नाम बदलने के लिए, और वो भी ऐसी जगह पर नाम बदलने आ रहे हैं आप, जिसका आप तारीख उठा के देखिए, हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में जो हिस्सा रहा है, मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है वो दारुल उलूम के उलामा थे सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान और पार्टीशन के जो मुखालफत हुई यहीं से हुई, हमारे हजरत शेखुल इस्लाम पुरजोर उसकी मुखालफत करी और तहरीक आजादी के साथ इस ये नाम बदलकर आप ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप तहरीक आजादी में जो मुजाहिदीन शरीक थे हमारे, उनकी तौहीन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तहरीक आजादी से देवबंद का नाम जुड़ा हुआ है। आपको क्या परेशानी हो रही है कि आप देवबंद को देवबंद